2024 विधानसभा की तैयारी हो चुकी है, आचार संहिता लग चुका है। हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आए हैं पोटका विधानसभा क्षेत्र में। पोटका विधानसभा का वह क्षेत्र जो ब्लॉक के जस्ट बगल में है, जरा यह बिल्डिंग थोड़ा ध्यान से देखिए, हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। निर्माण ऐसा है कि जिसमें डॉक्टर रहेंगे, डायग्नोसिस सेंटर रहेंगे, पोस्टमार्टम हाउस रहेगा और तमाम तरह की सुविधा रहेगा। उसे जमशेदपुर के MGM हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा है पोटका विधानसभा अंतर्गत, उसको एक तरह के आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और लगभग 90% काम हो चुका है। जो इंजीनियर साहब हैं उनसे बात करते हैं, कौन सा कंपनी पूरा प्रोजेक्ट को बना रही है? RS Agrawal Construction। कहाँ की कंपनी है? रांची की कंपनी है ये। और आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद असरफ रजा है, मैं रांची का रहने वाला हूँ और इस साइड पे एज इंजीनियर वर्क करता हूँ। अच्छा, कितना स्क्वायर फीट एरिया दिया गया है इसको बनाने के लिए? 3 एकड़ के आसपास। इसमें क्या क्या ड्राइंग बनाया गया है? इस यहाँ ड्राइंग बनाया गया है, नीचे में कैजुअलिटी रूम है, डॉक्टरों स्पेशली डॉक्टर का अलग रूम है, ऑपरेशन थिएटर है, फिर जनरल वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है। कितना बेड का हॉस्पिटल है बन रहे? मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग, 30 बेड के हमारा फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड किया गया। इमरजेंसी सर्विस भी रहेगा? हाँ, इमरजेंसी सर्विस भी रहेगा। और कितने डॉक्टर रेसिडेंशियल आप लोग अभी तक ड्राइंग में बता रहे रूम दिया गया है? डॉक्टरों के लिए यहाँ पे 2 रेसिडेंशियल का डॉक्टर का है और एक नर्स का भी है और साथ में 4 ग्रेड के एम्प्लॉय के लिए भी क्वार्टर, मतलब पैरामेडिकल उनको भी दिया गया है, उनको भी रेसिडेंस आवास दिया गया है। कितना दिन में कब इसका शिलान्यास हुआ था? इसका शिलान्यास 1 ईयर एटलीस्ट हो चुका है। इसमें अभी क्या क्या काम पेंडिंग है? पेंट का काम ही मेनली बचा हुआ है, बाकी लगभग काम छोटा मोटा बचा है और बाकी सब हो ही गया है। कब तक तो हैंडओवर हो जाएगा? हम लोग को नवंबर एंड में इसको हैंडओवर करने का प्रोग्राम है। देखिए, नवंबर एंड में हैंड मतलब इसको टेक ओवर करने का प्रोग्राम है, तब तक सरकार भी नया बन जाएगी। हो सकता है कि यहाँ के विधायक वर्तमान रहे या कोई जीता हुआ विधायक रहे। बात वह नहीं है कि कौन विधायक बन रहे हैं कौन विधायक नहीं बन रहे, बात वह भी नहीं है कि चुनाव के समय में हम इस न्यूज़ को बना रहे, बात यह है कि इस पोटका जैसे क्षेत्र के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में किया जा रहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग जमशेदपुर में हर समय न्यूज़ पढ़ते हैं कि जब हाथा में हल्दी फोकर में जब एक्सीडेंट होता है तो वह पेशेंट लेकर जमशेदपुर जाता है और जाने के क्रम में ही वह पेशेंट डेट कर जाता है। हमें लगता है कि उसके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। यह बिल्डिंग है, आपका विधायक कौन है? हम लोग का विधायक ये पोटका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संजीव सरदार। आपके विधायक द्वारा किया गया कार्य क्या है? देखिए, अभी बहुत सा योजनाएं हैं जो उनके माध्यम से हमारे पंचायत में हुआ है और रोड भी कुछ हुआ है और कुछ अभी सिंक्शन अभी जस्ट हुआ है, काम नहीं हुआ है, बट और बहुत सारी चीज़ ऐसे है जो पहले काम हुआ है और कुछ चीज़ काम होने वाला है। विधानसभा में अस्पताल का निर्माण हुआ है, इसमें क्या कहना चाहिए? ये पोटका विधानसभा के क्षेत्र में, ऐसे तो पोटका विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत ये आपका 3 प्रखंड आता है। हाँ, तो ये सदर अस्पताल भी है जो पहले से काफ़ी झारखंड सरकार अभी वर्तमान जो सरकार है उनके माध्यम से काफ़ी वहाँ सुविधा हो गया है। सदर अस्पताल में जो खस महल में है, ट्रीटमेंट भी और इलाज भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये हम लोग का सामने है तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए। और कहाँ कहाँ निर्माण हुआ है नया अस्पताल का? अभी जैसे पोटका में एक उसका पहले बेड का सुविधा नहीं था शायद, उसको आगे बढ़ाया गया है और डुबुरिया भी एक बन रहा है सुने हैं। तो अगर ये सब बन जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। विधानसभा में सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है? देखिए, यहाँ पर अभी जहाँ तक अभी पता चला है कि 18 प्रत्याशी था, उनमें से अभी 16 है अभी तक। उनमें से वर्तमान विधायक है और मीरा मुंडा जी है, भागीरथी हंसदा जी है, आपका महीन सरदार है, बहुत सारे हैं। अब
आप सभी अपना अपना आइडियोलॉजी लेके अपना उद्देश्य जो विकास करने का ले यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी विधायक काफ़ी रहा है और ये जो अभी वर्तमान झारखंड सरकार और विधायक जी ने जो सक्रियता से काम किए हैं और लोगों के सर्वसुलभ जो आसानी से उनसे मिल सकता है, आसानी से उनसे बात रख सकता है, तो इसे आप कहा जा सकता है कि अभी का वर्तमान विधायक जी सबसे अच्छा विधायक है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। बाद बाकी तो काम का आने वाला दिन काम का वादा कर रहे हैं, इन्होंने काम किया है। किस मुद्दा के आप वोट डालिएगा? देखिए इस बार का जो जो मुद्दा है झारखंड का मुद्दा, झारखंड की अस्मिता को लेके झारखंड सरकार जो अभी काम की है महिलाओं के लिए, आप एक चीज़ जानेंगे यहाँ पर महिलाओं के लिए अभी देखिए मैया सम्मान योजना बहुत ही अच्छा है, जो सभी को बिना भेदभाव किए सभी को इस योजना का दिया जा रहा। उसके बाद सावित्रीबाई फुले योजना, इस प्रकार से बहुत ही अच्छा अच्छा योजना है, जो यूथ के लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, इस प्रकार का योजना जो है उन्होंने सरकार झारखंड सरकार ने लाया है। इसलिए इस योजना को देखते हुए आने वाला दिन और एक, क्योंकि इस सरकार को कोविड 2 साल लग गया, जैसे ही सरकार बना 2 साल लग गया, उसके बाद बहुत सा झारखंड सरकार करना चाह रहा था लेकिन किसी ना किसी तरह से केंद्रीय सरकार केंद्र के इशारा पे झारखंड की सरकार को उस हिसाब से काम करने नहीं दिया। इसलिए हम लोगों का सोच है और एक बार तो मौका मिलना ही चाहिए हेमंत सरकार को। झारखंड में झारखंडी पार्टी का सरकार होना चाहिए, जो झारखंड के लोगों का हित को देखते हुए, झारखंड के अस्मिता को देखते हुए उसको कर सके। किस विधानसभा के आप वोटर हैं? पटका विधानसभा। हेल्थ में कुछ काम हुआ है? हेल्थ में बहुत सारा काम हुआ है। सबसे पहले तो सीएस केंद्र अभी चालू हुआ है पटका प्रखंड के बगल में डुमरिया में, इसके लिए इतना दूर TMH MGM नहीं जाना, ग्रामीण को इससे बहुत ग्रामीण को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किए मैंने विधायक श्री संजीव सरदार जी ने। आप लोग स्पोर्ट्स मैन हैं, स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम हुआ है? हाँ, स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ही काम हुआ है। हम तो OBC कोटा से आते हैं, सनत मंडल नाम है मेरा, इससे यहाँ का जितना भी हमारे मूलवासी आदिवासी भाई हैं जो तो स्पोर्ट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको विधायक जी बहुत प्रोत्साहन से आगे बढ़ाए हैं, चाहे फुटबॉल हो, जर्सी हो, इससे लेके बहुत विधायक जी काम किए हैं सब स्पोर्ट यंग युवाओं के लिए। माना करने के उद्घाटन करेंगे हमारे हितेश गुप्ता जी। जी हां, किए हैं। कार्यक्रम इसका मतलब कि अभी जाहिर स्थल से हम लोग का है, उसमें मेरा मंदिर नहीं हुआ था, मेरा मंदिर का कार्य शुरू होगा। इसमें एक तो हमारा पुलिया है जो कि आने जाने का सुविधा होता है, जो हम लोग का टांगर पंचायत और चांदी पंचायत के बीच जो कि पुलिया बनने वाला है, पुलिया का निर्माण होगा, इसमें कार्य शुरू हो गया है। और जो जितना भी हमारा नल जब खराब हुआ था वो नल का भी व्यवस्था किया गया है और हमारा जल मीनार का भी व्यवस्था की है। पात्र बाबू, यहाँ कुछ एजुकेशन सिस्टम कहाँ बना है? हाँ जी, बना है और अभी भी एक बन रहा है, जो कि हम लोग बगल में क्या नाम है इसका, रुगड़ी साहब है, जो कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज के नाम से जो है। हेल्थ के लिए क्या क्या हुआ? हेल्थ के लिए हम लोग का जो कि हम पर्सनल जो विधायक जी का गाड़ी है पोटका में, हम लोग का जो कि पहले से है सदर अस्पताल जो कि पहले बना हुआ है, हमें निवेदन जाना है, कॉलेज बन रहा है वहाँ पे, डिग्री कॉलेज है वहाँ पे बन रहा है। हम तो चाहेंगे कि 60% संजीव सरदार को, 40% ही जाएगा तो BJP को। मीरा मुंडा भी आ चुकी है, वही मीरा मुंडा को ही बोल रहे हैं कि क्योंकि आदमी देखिए क्षेत्रीय पार्टी है और बगल का है, अब मीरा मुंडा बाहर से आके यहाँ खड़ा हुआ, ज़्यादा आदमी उसको पहचानता भी नहीं है। क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है झारखंड सरकार की तरफ से? हम लोग को तो स्टोर में चावल भी मिलता है, अब वो बस घर पे आया है। मैया योजना का बहुत नाम ले रहा है, मैया योजना आपके पास है? है। कितना किस्ती आ चुका अभी तक? 3 किस्ती आ चुकी। मेरा नाम धीरेंद्र समाध है और ये दुकान कुदादा गांव में है। विधायक चुनने का समय आ गया, चुनाव का टाइम हो रहा है,
क्या वर्तमान विधायक जी कुछ काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए? हाँ, बहुत काम किए हैं। क्या क्या? ये सड़क का निर्माण हुआ है, पानी के लिए जल मीनार दिया है, बिजली भी दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए? स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए वो भी ठीक है। ठीक है। कहाँ जाते हैं आप लोग इलाज करने के लिए? इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल। अभी कुछ बन रहा है यहाँ पर हॉस्पिटल? इधर बगल में नहीं बना है, सब सामने नहीं बना है, लेकिन बन रहा है। क्या हाँ, हॉस्पिटल बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? हॉस्पिटल पोटका में। क्या इस गांव में सुविधा मिला है स्वास्थ्य का? जी, स्वास्थ्य का सुविधा मिला है। क्या मिला है? इसे एम्बुलेंस सबकी और दवा सब का फैसिलिटी मिला। हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है? निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है। कैसे काम कर रहे हैं आपके हीरो विधायक, यंग विधायक? लगभग ठीक ही कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। हाँ, बात होता है, आप फोन करते हैं, आपके गांव में आते हो? हाँ, आते हैं। आते हैं बुलाने से।